पीछे में एक दीवार थी जो गिरने वाली है, फिर एक दीवार थी जो गिरने के बाद में बचाई गई और पेड़ के पीछे कुछ पोर्शन करके पेड़ को जगह दी गई। पीपल का पेड़ है और आगे के झरोखे में मंदिर बना। ये एक पेड़ है जो गिर गया, नीम का पेड़। ये पहले भी इसका कुछ पोर्शन गिरा था और दीवार पूरी धाराशाही हो गई। भगवान की मेहरबानी के किसी को कोई चोट नहीं लगी। दूसरी दीवार तो स्कूल के बाहर गिरी थी, पहले वाली दीवार हमारी सोसाइटी के अंदर गिर रही है, पर सभी सोचते हैं कि अभी नहीं गिरेगी। जब से कार्मेल कॉन्वेंट में वो सडनली पेड़ गिरा था और बच्चे घायल हुए थे, या एक बच्चा, भगवान करे एक ही हो दो ना हो, दुनिया से चला गया था। उस परिवार की आप त्रासदी देखिए जिसके ऊपर एक ये पेड़ भी, मेरे ख्याल से इसकी भी जड़ें बीमार थी, नहीं तो जिस पेड़ की जड़ें गहरी हों वो किसी भी तूफान में गिरता नहीं है। ये गिरा है तो एक सबक है सबके लिए, पेड़ प्रेमियों के लिए भी और कॉरपोरेशन के लिए भी, कि आप एक ट्रीज़ का साइंटिफिक ऑडिट कराइए। कौन कौन सा पेड़ है जो तूफान, आंधी और मौसम की मार झेल ना पाएगा, उसको बेचारे को एक, जिसको बोलते हैं, सम्मानजनक फेयरवेल दे दीजिए। ये दिन ना देखना पड़े कि जड़ें खराब थी और अदरवाइज पेड़ हेल्दी था, अभी तक हेल्दी है, और पेड़ इतना ढांसू पेड़ गिर गया और बड़ा मेहरबान था, शायद रात को गिरा, किसी को कोई क्षति नहीं हुई, पर एक सबक है, एक वेकअप कॉल है सभी के लिए कि और पेड़ ना गिरें और उनको गिरने से पहले बचाया जाए। इस दीवार का इसके साथ कोई द्वंद्व नहीं था जो पुष्पक सोसाइटी में और रियान स्कूल के बाहर में, ये तो ना गिरता तो दीवार गिरती, ये चांस है कि ये गिर गया और दीवार भी गिर गई। आइए अपने बच्चों को और बुजुर्गों को जो यहाँ सैर करते हैं उनको बचाएं और पेड़ों की सुरक्षा करें और उनकी सेवा करें।